आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। 78वां स्वाधीनता दिवस 2024 में बृहस्पतिवार 15 अगस्त को मनाया जाएगा। स्वाधीनता दिवस के अवसर पर परेड की तैयारियां आरंभ हो चुकी हैं। सिवनी के स्टेडियम, जिसे फुटबॉल स्टेडियम कहा जाने लगा है, दरअसल ये फुटबॉल के लिए आरक्षित नहीं है, सभी खेलों के लिए आरक्षित है, पर फुटबॉल के अलावा यहाँ कुछ नहीं होता और फुटबॉल की प्रैक्टिस भी नहीं, सिर्फ टूर्नामेंट यहाँ होते हैं, प्रैक्टिस फुटबॉल की यहाँ नहीं होती है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। परेड यहाँ आप देख सकते हैं, परेड की तैयारी आरंभ कर दी गई है 15 अगस्त 2024 के मुख्य समारोह के लिए। पुलिस, विशेष सशस्त्र बल, नगर सेना, राष्ट्रीय कैडेट कोर सहित शालेय विद्यार्थियों के द्वारा यहां पर परेड की तैयारियां की जा रही हैं और विशेष जानकारों की देखरेख में इस परेड की तैयारियों को अंजाम दिया जा रहा है। सिवनी का स्टेडियम, जो सभी खेलों के लिए है, वर्तमान में ये सिर्फ और सिर्फ सुबह सैर करने वालों के लिए स्टेडियम यहाँ पर रह गया है, और वो भी सशुल्क। आप अगर वहाँ शुल्क देते हैं तो ही आप इसके अंदर प्रवेश कर सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। शालेय विद्यार्थियों को परेड किस तरह से करनी है उसकी तैयारियां कराई जा रही हैं, उसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उसका अभ्यास यहां पर कराया जा रहा है। देख सकते हैं आप छात्राएं परेड किस तरह से करनी है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, जिस तरह से इन्हें प्रशिक्षण आप देख सकते हैं दिया जा रहा है कि किस तरह इन्हें परेड की जानी है, एक जगह पर ही खड़े होकर कदम ताल किस तरह से करने हैं। प्रौढ़ हो रही पीढ़ी को इस बात की जानकारी होगी कि उनके द्वारा जब शाला में वे अध्ययन किया करते थे, उस दौरान सुबह एनसीसी राष्ट्रीय कैडेट कोर और स्काउट के विद्यार्थियों के द्वारा परेड की जाती थी। अब वो दिन हवा हुए ऐसा प्रतीत होता है। अब तो पढ़ाई का इतना बोझ लाद दिया गया है कि अन्य दीगर एक्टिविटीज़ में विद्यार्थियों को समय नहीं मिल पाता है। यहाँ ये देखिए आप, परेड जारी है। प्रौढ़ हो रही पीढ़ी इस बात को बेहतर तरीके से समझ सकती है कि एक खेलकूद का कालखंड भी होता था, गेम्स का पीरियड भी होता था, जिसमें उन्हें तरह तरह के खेल खिलवाए जाते थे, अंतरशालीय प्रतियोगिताएं होती थी, हॉकी क्रिकेट और खो खो, न जाने कितनी तरह की प्रतियोगिताएं होती थी, अंतरशालीय प्रतियोगिताएं। अब उस वो चार्म, वो उत्साह इसमें दिखाई नहीं देता। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं प्रशासनिक स्तर पर ढील जरूर इसमें दी जा रही है। शिक्षकों को भी इतना ओवरबर्डन, इतना काम अधिक दे दिया गया है, जनगणना हो, चुनाव का काम हो, हर काम में शिक्षकों को ही लिया जाता है। बहरहाल आप देख सकते हैं मिट्टी भी यहाँ पड़ी हुई है, इस मिट्टी को यहाँ डाला जाएगा और बारिश के समय में हरा भरा मैदान, सिर्फ यह हरा भरा मैदान दिखे इसी कारण से यहाँ पर इस मैदान में फुटबॉल की अभ्यास अनेक टीमें कर सकती हैं पर नहीं कर पाती हैं। आप अगर पॉलिटेक्निक कॉलेज चले जाएं तो पॉलिटेक्निक कॉलेज के खेल के मैदान में सुबह युवाओं के द्वारा बारिश के मौसम में फुटबॉल आपको खेलते हुए वहां दिख जाएंगे युवा। मिशन स्कूल के मैदान के अलावा जितने भी मैदान छोटे छोटे से हैं मोहल्लों के अंदर हों, या फिर उसके अलावा मोहल्ले के अंदर के अलावा आप जहां पर भी सड़कों पर भी फुटबॉल खेलते सुबह और शाम विद्यार्थी नज़र आ जाएंगे, युवा नज़र आ जाएंगे। परेड की तैयारी, राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के छात्र आप देख सकते हैं कलगी लगाए हुए आपको अलग दिखाई दे रहे होंगे, वन विभाग के यहाँ पर कर्मचारी भी नज़र आ रहे हैं और मिट्टी भी आपको यहाँ पर डली हुई दिख रही होगी। इस मिट्टी को फैलाकर यहाँ, वैसे फैला अभी ही देना चाहिए था ताकि परेड के पहले वो पूरी समतल हो जाए। हरे रंग की टोपी में
वन विभाग के कर्मचारी भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। और ये बैंड संभवतः पुलिस का ये बैंड है, इस बैंड पर ही सारा मार्च पास्ट होगा। पानी भरा हुआ आपको दिख रहा होगा मैदान के किनारे जहाँ पर ये लोग खड़े हुए हैं, वहाँ पर पानी इस बात की चुगली कर रहे हैं कि ये करता हुआ दिख रहा है कि मैदान का रख रखाव बहुत अच्छे तरीके से करीने से शायद नहीं किया जा रहा है। जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक दोनों को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता महसूस हो रही है। जिला खेल अधिकारी को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए कि स्टेडियम ग्राउंड सभी के लिए खुला रहे, सशुल्क यहाँ पर शुल्क ना लगाई जाए। यहाँ आप देख सकते हैं परेड किस तरह से चल रही है और सभी के कदम और हाथ एक साथ चलते हुए दिख रहे होंगे। अभी फुल ड्रेस रिहर्सल शायद नहीं आरंभ हुई है, अभी से सामान्य रिहर्सल ही चल रही है, जिसके चलते आप देख सकते हैं यहाँ पर शुरुआत में सभी गणवेश में दिखाई दे रहे हैं, यूनिफॉर्म में दिखाई दे रहे हैं और उसके बाद शालेय गणवेश में भी पीछे आपको विद्यार्थी दिखाई दे रहे हैं। समाचार एजेंसी एफिलिएटेड साइन न्यूज के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। ये राष्ट्रीय कैडेट कोर के विद्यार्थी यहाँ इसके पीछे चल रहे हैं, बालिकाएं और बालक सभी एक साथ आपको नजर आ रहे होंगे। इसके पीछे भी आप देख सकते हैं सभी अपने अपने स्कूल के गणवेश में ट्रैक सूट पहने हुए आपको नजर आ रहे होंगे। कितने उत्साह के साथ सुबह सवेरे युवाओं के द्वारा मार्च पास्ट की तैयारी की जा रही है। बहुत ही सुंदर नजारा स्टेडियम में दिखाई दे रहा है, सिवनी का स्टेडियम जिसका नामकरण अभी तक नहीं किया गया है। विधायकों और सांसदों को चाहिए कि सिवनी की जो विभूतियाँ रही हैं उनमें राजनीतिक विभूतियाँ सुश्री जिंदा वर्मा, जिन्हें आयरन लेडी कहा जाता था, जिनकी देन न जाने कितनी सारी चीज़ें हैं सिवनी में, उनके अलावा भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में मंत्री रहे पंडित महेश प्रसाद शुक्ला और हरबंस सिंह जो प्रदेश में मंत्री रहे, और मिला सिंह जो प्रदेश में मंत्री रहीं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष भी रहीं, साथ में राज्यपाल भी वे रही हैं। ऐसी विभूतियों के नाम पर इस स्टेडियम का नामकरण किया जाना चाहिए। वर्तमान में इसे फुटबॉल स्टेडियम अघोषित तौर पर कहा जाने लगा है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे, फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।